अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप ट्रेंडी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स, हम आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि 23 नवंबर की मीटिंग में तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है 26 नवंबर से 11 जनवरी तक। लेकिन स्टूडेंट्स, तालीमी इदारों को बंद करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हुआ और क्या तमाम तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा या दोबारा से खोल दिया जाएगा? तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये तमाम चीज़ें शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने स्कूल्स की बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। 23 नवंबर की मीटिंग में जो फैसला हुआ था कि तालीमी इदारों को, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को जो बंद किया गया था, इस फैसले को प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया है। वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि तालीमी इदारों को बंद किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से SOPs के तहत स्कूल्स खुले रखने की अपील। तमाम तालीमी इदारों का, प्राइवेट सेक्शन का ये कहना है कि हम SOPs पर अमल करेंगे, आप स्कूल्स को खुला ही रखें। 5 करोड़ तलबा के तालीमी नुकसान का अजाला नामुमकिन है। बहुत डिफ़िकल्ट है इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स की एजुकेशन को डिले करना। प्राइवेट सेक्शन का कहना है कि तमाम तालीमी इदारों को बंद ना किया जाए, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। 1 लाख स्कूल्स बंद और 7 लाख टीचर बेरोज़गार हो चुके हैं। इनका यही कहना है प्राइवेट सेक्शन का कि तमाम तालीमी इदारों को खोला जाए, 7 लाख टीचर बेरोज़गार हो गए हैं, वो अपना सिस्टम कैसे चलाएंगे, क्या होगा? 90% स्कूल्स की इमारतों के किराए फिक्स हैं, तो वो अपने स्कूल के सिस्टम को कैसे चलाएंगे, बिल कैसे अदा करेंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात की गई है। टीचर्स को पे कौन देगा, टीचर्स को कैसे चलाया जाएगा, ये तमाम चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है मैनेज करना। इसीलिए प्राइवेट सेक्शन की तरफ से इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने इमरान खान से अपील की है, वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है कि तालीमी इदारों को बंद ना किया जाए, हम SOPs पर अमल दरामद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म उसातज़ा के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। उनका यही कहना है कि हम इस टाइम में टीचर्स को पे नहीं कर सकते, सो काइंडली उनके लिए कोई पैकेज दिया जाए ताकि सिस्टम चलता रहे और 7 लाख उसातज़ा बेरोज़गार ना हो। गवर्नमेंट को अपील की गई है कि तालीमी इदारों को बंद ना किया जाए, और इस फैसले को भी मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत इसके ऊपर भी ज़ेरे गौर कर रही है। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्या फ़ैसला होता है, हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। हम सब तो यही चाहते हैं कि तालीमी इदारे बंद हों, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, हमें बच्चों की जान ज़्यादा अजीज है। लेकिन स्टूडेंट्स, अब फैसला हुकूमत की तरफ है कि वो क्या फ़ैसला लेती है। हुकूमत ने 26 नवंबर की मीटिंग में फ़ाइनल फैसला देने का कहा है कि 26 नवंबर को फिर से एक मीटिंग की जाएगी, जिसमें इन तमाम पहलुओं को गौर व फिक्र किया जाएगा, तमाम मदरसों को, तमाम चीज़ों को, तमाम इंस्टीट्यूट्स को, कि क्या उनको बंद किया जाए या नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो भी फैसला आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको उसके बारे में भी ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग अवर वीडियोस। योर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन गिव्स मी लॉट्स ऑफ इनकरेज टू क्रिएट more informative videos for you. So it's my humble request to share this video to your friends so they also get this information at right. Inshallah, I will create more informative videos for you. Keep supporting us. Agar aap mere channel par new hain to kindly subscribe my channel and press the bell icon taki meri new updates aap tak jald se jald pahunche. Thank you and Allah Hafiz.